Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. यार बड़ी मुश्किल से तो ये लॉकडाउन खुला है और आई होप ये थर्ड वेव ना आए और जैसे कि कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को बहुत हिट करेगी तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चों को तो बख्श दो यार एंड प्लीज़ सब वैक्सीन लगवाएं मैंने भी लगवाई है और ये बहुत बिग डील नहीं है वैक्सीन लगवाना डरे मत मैं भी डर रहा था पर अब नहीं डर रहा लगाने के बाद मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ अच्छा खासा हूँ और कोरोना से फाइट करने के लिए आगे मैं आई थिंक एक स्टेप ज़्यादा आगे हूँ और रेडी हूँ यार सच बताऊँ तो मैं कोरोना के इस डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा बोर हुआ क्योंकि मुझे आदत है काम करते रहने की घर पे बैठने वाला इंसान मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं इतना ज़्यादा बोर हुआ जिम्स बंद सब बंद फिटनेस ख़राब हर चीज़ ख़राब हुई और डेफिनेटली जब काम नहीं था तो लोगों की फाइनेंशियल पोजिशन भी बहुत ख़राब हो गई चलो हम लोगों पे तो थोड़ी बहुत भगवान की कृपा है उनका सोचिए जो डेली वेज अर्नर है उनका क्या हुआ होगा तो आधी चीज़ तो मेरा दिमाग थोड़ा सेटल नहीं रहा इन लोगों को सोच के भी पर थैंकफुली सलमान खान जैसे लोग हैं जो इन लोगों को हमारी इंडस्ट्री के लोगों को भी काफ़ी मदद कर रहे हैं और ठीक है अगर इनके पास है ये मदद करेंगे भगवान इन्हें और देगा मैं जब लॉकडाउन खुल गया था उसके बाद गोवा गया था देखिए गोवा में एंजॉय तो मैंने बहुत किया पर हम लोग फुल प्रिकॉशन के साथ गोवा गए थे ऐसा नहीं था कि वहाँ जाके अरे ये फेंक दिए मास्क और मज़े कर रहे हैं ऐसा नहीं था फुल अच्छे तरीके से प्रिकॉशंस लेके गए थे एंड उस टाइम आई थिंक गोवा में कोरोना था भी बहुत कम पर हमने इन्जॉय बहुत किया क्योंकि एक ब्रेक के बाद हम लोग गए थे कहीं घर में बैठे बैठे बस हो गया था यार और बर्दाश्त नहीं हो रहा था कोरोना ख़त्म हुआ है अगर ये सेकेंड वेव नहीं आई होती तो मैं अभी आपको वादियों में मिलता पहाड़ों में मिलता शूट करता हुआ मेरा काफ़ी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है मैंने NDA साइन करा हुआ है तो डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा नाम पर इट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट और आई थिंक बिग बॉस के बाद ये मेरी लाइफ का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो इसलिए मैं वेट ही कर रहा हूँ और उसकी ही तैयारी चल रही है एंड हाँ ये अच्छी बात है चलो थोड़ा तैयारी का टाइम मिल गया और ज़्यादा तो अब बेटर परफॉर्म करेंगे अच्छा करेंगे देखिए डेली सोप मैंने अभी कोरोना के पहले किया था जब कोरोना शुरू हुआ तो मेरा डेली सोप भी उसके साथ में ही बंद हो गया मुस्कान किया था मैंने उसमें मैंने 1.5 साल वो शो किया था और मुझे सच बताऊँ आपको मुझे TV से बड़ा प्यार है मुझे TV बहुत पसंद है लोग बोलते हैं अरे हम सीरियल नहीं करेंगे हम तो वेब सीरीज़ करेंगे हम तो फिल्में करेंगे मैं सब कुछ करूँगा मुझे सब पसंद है मैंने सीरियल भी किया मैंने वेब सीरीज़ भी करी है और अब भगवान ने चाहा तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ बोलूँगा नहीं क्या है वो पर हाँ TV नहीं है समथिंग बिगर और पर TV नहीं छोड़ूँगा मेरा ये प्रोजेक्ट शूट हो जाए एक बारी उसके बाद मैं दोबारा TV में ही आऊँगा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए डरिए मत घबराइए मत मैंने सुना है कई स्टेट्स में गवर्नमेंट 1-1 लीटर पेट्रोल भी दे रही है अगर आप जाके वैक्सीन लगाते हैं तो प्लीज़ ये नौबत मत आने दीजिए बिना घबराए बिना डरे जाइए वैक्सीन लगवाइए और कोरोना से बचिए और अपनी फैमिली को भी बचाइए दैट्स इट थैंक यू